गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास सेकंड में चैप्टर नंबर हमारा 6 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर्स नेम्स है डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होता है? भाग, भाग या फिर बांटना। अब बांटना क्या कहता है? डिवीजन का मतलब क्या होता है? डिवाइड। डिवीजन का मतलब क्या होता है? डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या होता है? भाग। हम क्या कहते हैं किसी संख्या या किसी वस्तु, एक जो संख्या है उसको क्या करते हैं? अलग अलग ग्रुपों में यदि बांटना है, कोई सी वस्तु है या कोई सी वस्तु है या कोई सा हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। यदि हम उसको अलग अलग लोगों में बराबर भागों में बांटते हैं तो वो क्या कहलाता है? डिवीजन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए आप देखते हैं, यदि जब हम किसी व्यक्ति को कोई सी चीज़ बांटेंगे तो फिर हमारे पास कुछ शेष रहेगा क्या? नहीं रहेगा। मालूम पड़ा पिताजी के पास 5, मतलब पिताजी के पास 8 बीघा ज़मीन है, उनके 2 लड़के हैं। उन्होंने क्या करा है? दोनों लड़कों को टोटल ज़मीन कितनी बेटा? 8 बीघा ज़मीन है। लड़के उनके कितने हैं? 2 लड़के हैं। तो मतलब 8 बीघा ज़मीन है, 2 लड़कों को यदि बराबर बराबर भागों में बांटेंगे तो दोनों के पास कितने बीघा ज़मीन आएगी? दोनों बच्चों के पास 4-4 बीघा ज़मीन आएगी। अब उन्होंने जो 8 बीघा ज़मीन थी वो उनके दोनों लड़कों को दे दी, तो अब उनके पास कुछ बचा क्या? अब उनके पास कुछ ज़मीन शेष बची क्या? उनके पास अब कुछ ज़मीन शेष नहीं बची। तो हम यदि हम कोई सी वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं या बांटते हैं तो हमारे पास कुछ बचता है क्या? कुछ नहीं बचता है। इसको डिवीजन को हम एक उदाहरण के द्वारा और समझते हैं कि मतलब एक टोकरी है, उस टोकरी में कितने आम रखे हैं? उस टोकरी में बेटा 6 आम रखे हैं। और आपके पास कितने बच्चे हैं? 3 बॉयज़ हैं, ठीक है। आम कितने बेटा? 6 आम है। बॉयज़ कितने हैं? 3 लड़के हैं। अब बोल रहा है कि जो 6 आम है, 3 लड़कों को हमको क्या करना है? बराबर बराबर भागों में बांटना है। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रत्येक लड़के को एक एक आम देंगे। तो मतलब प्रत्येक लड़के को एक एक आम देंगे। एक लड़के को बुलाया, एक पहले नंबर वाले लड़के को बुलाया, एक आम दे दिया। दूसरे नंबर वाले लड़के को बुलाया, उसको भी एक आम दे दिया। तीसरे नंबर वाले लड़के को बुलाया, उसको भी एक आम दे दिया। तो मतलब 6 लड़के, मतलब 6 आम थे, 3 लड़कों को दे दिए। अब हमारे पास कितने बचे? फिर से 3 जो है आम बच गए हैं, हमको फिर वापस बुलाना है। तो हम क्या करेंगे? फिर से वापस उन 3ों लड़कों को एक 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 आम करके क्या करेंगे हम? उस 3 आम को क्या कर देंगे हम? फिर से बराबर बराबर भागों में बांट देंगे। तो अब हमारे पास कुछ आम बचेगा क्या? हमारे पास तो आम नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि हमारे पास सबसे पहले 6 आम थे, हमने 3 लड़कों को एक 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 काम करके दे दिए, तो हमारे पास कितने आम बचे बेटा? 3 आम बचे। फिर हमने क्या करा? वापस उन 3 लड़कों को बुलाया और एक 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 काम करके हमने क्या करा? उन 3ों में फिर से बराबर बराबर बांट दिया। तो पहले 6 आम थे, उसमें से 3 हमने एक एक आम दिया तो हमारे पास 3 आम बचे। 3 आम में से फिर से हमने क्या करा? उन लड़कों को एक 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 काम करके दे दिया। हमारे पास क्या बचा? टोकरी में कुछ आम बचे क्या? टोकरी में आम नहीं बचे, लेकिन जो प्रत्येक लड़के थे अब उनके पास कितने कितने आम हो गए हैं? प्रत्येक लड़के को जो है वो 2-2 आम हो गए हैं। मतलब डिवीजन का मतलब क्या होता है? बांटना या भाग देना। यह समझ में, अब इसका क्वेश्चन जो है हम समझते हैं। इसी प्रकार बेटा अपन एक और उदाहरण के द्वारा देखते हैं। अब हमारे पास कितनी पेंसिल्स है? 12 पेंसिल्स है। कितनी गर्ल्स है? 4 गर्ल्स है। पेंसिल कितनी? 12 पेंसिल्स है। गर्ल्स कितनी है? 4 गर्ल्स है, ठीक है। अब जो मतलब क्या कर रहे हैं, 12 पेंसिल है और 4 लड़कियों में बराबर बराबर बांटना है। फिर हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? एक 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 करके 4 लड़कियों को बुला लेंगे। लड़की कितनी? गर्ल्स कितनी बेटा? 4 गर्ल्स है। प्रत्येक गर्ल्स को हम क्या करेंगे? एक 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 पेंसिल दे देंगे। अब हमारे पास कितनी पेंसिल लेफ्ट रहेगी? 8 पेंसिल्स जो है लेफ्ट रहेगी। 12 में से यह तो अपन देखते हैं डिवीजन का मतलब होता है माइनस भी करते हैं तो भी डिवीजन कराता है। बांटना या कम करना डिवीजन कराता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमारे पास 8 पेंसिल्स है, हमको 12 पेंसिल बांटना थी। फिर हम क्या करेंगे? गर्ल्स कितनी है? 4 गर्ल्स है। फिर हम क्या करेंगे? फिर लड़कियों को बुलाएंगे, फिर उनको क्या करेंगे? एक 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 करके क्या करेंगे? पेंसिल दे देंगे। अब 8 में से 4 पेंसिल माइनस करेंगे, अब कितनी हो जाएगी? 4। अब लड़कियों के पास कितनी? पहले एक एक पेंसिल थी, अब कितनी हो गई है? 2-2 पेंसिल हो गई है। लेकिन हमारे पास फिर से 4 पेंसिल लेफ्ट हो गई है। हम क्या करेंगे?
फिर वापस गर्ल्स को बुलाएंगे और उन गर्ल्स की संख्या कितनी है, 4। अब हम क्या करेंगे, गर्ल्स को फिर से एक 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 पेंसिल क्या करेंगे, बांट देंगे। अब हमारे पास कुछ पेंसिल्स बचेगी क्या? अब हमारे पास बेटा कुछ पेंसिल्स नहीं बचेंगी, लेकिन जो गर्ल्स थी, गर्ल्स की संख्या कितनी है, 4। और गर्ल्स में अपन देख रहे हैं 4 गर्ल्स हैं, और उन गर्ल्सों के पास अब कितनी कितनी पेंसिल हो गई है बेटा, 3 पेंसिल्स हो गई है, मतलब 12। मतलब अपन देख रहे हैं लड़कियों की संख्या कितनी है, 4। उनके पास अब पेंसिल कितनी हो गई है, 3। मतलब लड़कियों की संख्या 4 है और प्रत्येक लड़की के पास अब कितनी पेंसिल हो गई है, 3 पेंसिल हो गई है। अब हमारे पास बेटा कुछ पेंसिल बची क्या? अब हमारे पास बेटा कुछ भी पेंसिल नहीं बची। अब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द डिवीजन फैक्ट फॉर द फॉलोइंग। हमको यहाँ पर क्या करना है, मैंने चित्र के द्वारा बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको जो तो है बहुत आसानी से समझ में आ जाए। जिसे अपन देख रहा है, डिवीजन का मतलब क्या होता है, बांटना। मैंने जस्ट अभी थोड़ी सी देर पहले बताया था कि डिवीजन का मतलब क्या होता है, बांटना। हम क्या करते हैं, कोई सी वस्तु या कोई सा ऑब्जेक्ट करते हैं, बराबर बराबर ग्रुपों में बांटते हैं। तो किसी ग्रुप में ना तो कम होना चाहिए और किसी ग्रुप में ज़्यादा होना चाहिए, बोथ आर इक्वल, मतलब दोनों में कैसे होना चाहिए, समान होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर पहले वाले ग्रुप्स में अपन देख रहे हैं कुछ कप्स बना रखे हैं। सबसे पहले काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल कप्स कितने हैं, 10 कप्स हैं बेटा। फिर अपन ने इसको कितने ग्रुप्स दिख रहे हैं, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, 2 ग्रुप्स बना रखे हैं। जैसे घर में कुछ भी अपन देखते हैं, बच्चे उन खेल खेलते हैं तो ग्रुप्स बना लेते हैं। यहाँ बहुत आसानी समझ में आएगा कि वो ग्रुप्स बना लेते हैं और ग्रुप्स बना बना के क्या करते हैं, खेल खेलने का प्रयास करते हैं कि ये तेरे ग्रुप में है या मेरे ग्रुप में, आधी टीम इधर हो जाती है, आधी टीम इधर हो जाती है, 5 बच्चे इधर हो जाते हैं, 5 बच्चे इधर हो जाते हैं, फिर आपस में गेम्स जो है वो खेलते हैं। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं मेरे पास कप्स कितने हैं, टोटल कप्स की संख्या कितनी है, 10 कप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं, 1 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम 10 को कैसे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 2। 10 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं। तो अपन देखें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। मतलब अपन 10 कप है, 2 बराबर बराबर ग्रुपों में बांटते हैं तो प्रत्येक ग्रुप में कितने कप्स प्राप्त होंगे, 5। देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर हो गए 5, और 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। मतलब 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा मेरा, 5। इसी प्रकार हम नीचे वाले में देखते हैं, काइट्स गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सबसे पहले टोटल काइट्स कितनी है, 12 काइट्स है बेटा। फिर हम ग्रुप्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4। हम क्या कर रहे हैं, 12 काइट्स हैं और 4 ग्रुप्स में अपने को उसको करना है, बराबर बराबर भागों में बांटना है। तो अपन देखें, 12 काइट्स है, 4 बराबर बराबर मतलब 4 बराबर 4 ग्रुप है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो 12 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। आंसर मेरा यहाँ पर क्या आया, 3। मतलब जो 12 काइट्स है, 4 बराबर बराबर ग्रुपों में बांटते हैं तो प्रत्येक ग्रुप को कितनी काइट्स प्राप्त होगी, 3। देखते हैं, यहाँ लिखेंगे 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। मतलब अपन देख रहे हैं प्रत्येक ग्रुप को कितनी कितनी काइट्स प्राप्त हुई है, 3 काइट्स प्राप्त हुई है। इसी प्रकार कुछ यहाँ पर एप्पल्स दिए गए हैं, काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल एप्पल्स कितने हैं, 1 to 12। ग्रुप्स कितने हैं, 1, 2, 3, यहाँ पर लिखेंगे बेटा हम 3। अब अपन देखेंगे, मतलब 12 एप्पल्स है, 3 ग्रुप्स है, अब प्रत्येक ग्रुप्स में कितने एप्पल्स प्राप्त होंगे, तो हम क्या करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं आंसर क्या आएगा, 4।
मतलब प्रत्येक ग्रुप को कितने सेवफल प्राप्त हो रहे हैं, ये 1 2 3 ग्रुप्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 12 एप्पल्स है। तीन ग्रुप्स में यदि हम बराबर बराबर भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक ग्रुप को कितने एप्पल्स प्राप्त होंगे, 4 4 एप्पल्स प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मैंगोज दिख रहे हैं, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंगोज की टोटल संख्या कितनी है, 10। ग्रुप्स कितने बेटा, 1 2 3 4 5, 5 ग्रुप्स है, यहाँ लिखेंगे 5। अपन देखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 10 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब कितने मैंगोज प्राप्त हो रहे हैं, प्रत्येक ग्रुप को दो दो मतलब 2 2 मैंगो जो है वो प्राप्त हो रहे हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, मतलब 5 मतलब 10 मैंगोज है। यदि हम 5 ग्रुप्स को बराबर बराबर क्या करते हैं, इक्वल जो है डिवाइड कर मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो प्रत्येक ग्रुप्स के पास मतलब इस ग्रुप के पास कितने मैंगोज होंगे, इस ग्रुप से हैव 2 मैंगोज, मतलब प्रत्येक ग्रुप के पास 2 मैंगो होंगे। इसी प्रकार यहाँ पर बॉल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल बॉल्स कितनी है बेटा, 15 बॉल्स हैं। ग्रुप्स कितने हैं, 1 2 3, 3 ग्रुप्स हैं, 15 डिवाइडेड बाय 3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 या फिर क्रॉस, तो यहाँ पर अपन कितने लिखेंगे, 5। अब यहाँ पर देखेंगे मतलब 15 बॉल्स है, 3 ग्रुप्स को यदि हम बराबर बराबर बांटते हैं तो प्रत्येक ग्रुप्स में कितनी बॉल प्राप्त होगी, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5, मतलब प्रत्येक ग्रुप बॉल आप ग्रुप देख रहे हैं, 3 ग्रुप है और प्रत्येक ग्रुप को कितनी कितनी बॉल्स प्राप्त हो रही है, 3 3 बॉल्स जो है वो प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार नेक्स्ट में अपन फ्लावर देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 फ्लावर्स हैं। ग्रुप्स कितने हैं, 1, यहाँ पर दे रखा है 2, 2 ग्रुप्स है, 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक ग्रुप्स को कितने फ्लावर्स प्राप्त होंगे, 4 4, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसी प्रकार नेक्स्ट है ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मेरे टोटल कितने हैं, 18 ट्रायंगल्स हैं। ग्रुप्स कितने हैं, 1 2 3, 3 ग्रुप्स हैं, 18 डिवाइडेड बाय 3, 18 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, 3 से जो है वो डिवाइड करेंगे, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, कितने टाइम से डिवाइड हुए, 6 टाइम से डिवाइड हुए। अब इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक ग्रुप में अपन जो मतलब 3 ग्रुप्स है, 18 ट्रायंगल्स है, तो प्रत्येक ग्रुप में कितने ट्रायंगल्स प्राप्त होंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अपन यहाँ पर आपको समझ में आ गया है कि जब हम किसी भी संख्या रहती है तो उसमें मतलब कोई सी वस्तु रहती है, कोई संख्या रहती है, जब उसको बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, किसी ग्रुप में क्या करते हैं बराबर बराबर तो भागों में डिवाइड करते हैं, तो प्रत्येक ग्रुप को क्या होना चाहिए, एक सरी की संख्या या वस्तु प्राप्त होनी चाहिए।